कड़ी पौधे को बगैर बीज के आप अपने घर के अंदर कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हाउ टू ग्रो कड़ी प्लांट विद आउट सीड। अभी आप मेरे पास कड़ी पौधा देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर। प्लास्टिक की बाल्टी की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि काफ़ी 3 साल से ये इसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है, और प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर पौधा बड़े साइज़ का नहीं हो पाता। इसका जो मैक्सिमम साइज़ 4 फुट के करीब ही रहता है, वहीं पर आपको ये कड़ी लीव देता रहता है, आप तोड़कर इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हर सीज़न में ये नई शाखें भी निकालता रहता है। तो अभी जुलाई का मंथ है, और जुलाई के मंथ के अंदर बेहतरीन सीज़न होता है कि बगैर बीज के आप कड़ी पौधे को कैसे लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे छोटी छोटी सी आपको शाखें देखने को मिल रही हैं, इन शाखों को हम अलग जगह पे लगाएंगे तो ये एक पूरा कड़ी प्लांट बन जाएगा, और इसको आप अगर ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो अच्छा खासे साइज़ का ये एक दरख्त बन जाता है, जिसका साइज़ 10 से 15 फीट की हाइट पे चला जाता है। तो इतना बड़ा अगर आप पौधा लगा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कड़ी पत्ते आपको मिलेंगे, आप जितने मर्ज़ी इनको बांटें या सेल करें, जो मर्ज़ी करें। तो कड़ी पौधे के पत्तों को आप ऑर्गेनिकली करके सेल भी कर सकते हैं, इनको आप कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप इसको ज़मीन के अंदर लगाते हैं, गाय का गोबर डाल देंगे या किचन वेस्ट जो होता है उसको मिट्टी के अंदर दफन कर देंगे, तो बेहतरीन किस्म का आपका कड़ी पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। जुलाई के मंथ के अंदर ही क्यों लगता है ये, क्योंकि जुलाई के मंथ के अंदर आपको पता है एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हवा में इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर नमी इतनी ज़्यादा है कि ये शाखों को ग्रोथ करने में मदद देता है। अगर आप इसकी छोटी शाख भी काट कर मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो वो भी जर्मिनेट हो जाएगी। तो अभी यहाँ से मैं एक छोटे से पौधे तोड़ूंगा और इसको अलग गमलों के अंदर लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है, चले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे पास शाखें हैं, इन शाखों के जो अजाफी पत्ते हैं उनको तोड़ लेते हैं, हजाने शुरू हो गई हैं, तो जल्दी से वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। ये इस तरह सिर्फ इसके ऊपर 2 शाखें आपने रहने देनी है, पत्ते मतलब जो छोटे छोटे से पत्ते ये आपने रहने देने, इसी तरह इसके यहाँ से रख के आप पत्तों को तोड़ देंगे। तो ये आप कहाँ से लेंगे, किसी नर्सरी चले जाएं या किसी कड़ी पत्ता जिनके पास लगा हुआ है वहाँ से छोटी सी शाखें काट कर ला कर उनको भी लगा सकते हैं। छोटी इसकी टहनी है, जैसे कि ये छोटा खुश्क टहनी है, इसी तरह आप कड़ी पत्ते की टहनियों को काटेंगे, खुश्क वाली नहीं हरी वाली, और उसका जो लेंथ है वो 1 फिट के करीब होनी चाहिए। उसमें 4 फिट मिट्टी के अंदर आप दफन करेंगे और बाकी को बाहर रहने देंगे, और जैसे ही आप गमले के अंदर लगा लेंगे तो इसको किसी शेड के एरिए में मतलब पौधों के साए के अंदर रख दें 1-2 दिन के लिए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो इसके अंदर नमी बरकरार रखनी है मिट्टी के अंदर। तो इस छोटी सी शाख को मैं मिट्टी के अंदर यूं लगा दूंगा, इसके बाद इसको भर के पानी देंगे। ये देखें जी, भर के मैंने पानी दे दिया। अब इसको उठा के साइड पे रख देंगे, जो मैंने ऑलरेडी पौधा लगाया हुआ था 3 दिन के अंदर देखें ये मेरा पौधा स्टेबल हो चुका है, जला नहीं है, इसका मतलब ये मेरा पौधा रेडी है। अब ये नीचे से जड़ें निकालना शुरू कर देगा। जड़ें कितने दिनों में निकलती है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं, तो आपने कम से कम इनको 3 से 4 दिन के लिए शेडी एरिए में रखना है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो लेकिन डायरेक्ट रोशनी ना आती हो। तो ये एक सिंपल तरीका था कड़ी पौधे को जुलाई के मंथ के अंदर लगाने का। तो नर्सरी से भी आप शाखें लाकर अपने घर के अंदर जितने मर्जी पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।